हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गोभी चिली। इसके लिए लिया है हमने 250 ग्राम्स गोभी, जिसे कट करके बॉईल कर लिया है, और 4 शिमला मिर्च जिसे हमने कट कर लिया है, और हमें चाहिए 4 चम्मच टोमेटो सॉस, 4 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच वेनेगर। हमने सारे सॉस विदाउट अनियन गार्लिक लिया है। हमने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच जीरा धनिया पाउडर। घोल बनाने के लिए हमने लिया है 4 चम्मच मैदा और 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक और सोया सॉस, और पानी के हेल्प से एक हम बैटर तैयार कर लेंगे। हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब हमें गोभी को डीप फ्राई करना है। इसके लिए हम गोभी को लेके उसे बैटर में डिप करेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। हमें फ्लेम को मीडियम हाई रखना है। अब हम थोड़ा इसे पलट लेंगे और अच्छे से चारों साइड से पका लेंगे। इसी तरह हम बाकी गोभी के पीसेस को भी डीप फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। हमारी गोभी फ्राई हो चुकी है, इन्हें हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हमारी गोभी फ्राई होके तैयार है। हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक और इसे सॉटे कर लेंगे। में डालेंगे हम कैप्सिकम, इसे भी सॉटे कर लेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट पकाना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम सारे मसाले और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम सॉस और विनेगर भी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें 1 से 2 मिनट पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम फ्राई किए हुए गोभी को ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हमें 1 से 2 मिनट स्लो आंच पे पकाना है। अब हमारी गोभी चिल्ली बनकर तैयार है। हम गैस को ऑफ कर लेते हैं और इन्हें हम सर्व कर लेंगे। हमने इसे धनिया के पत्ते और तिल के साथ गार्निश करके सर्व कर लिया है। हमारी गोभी चिल्ली बहुत ही टेस्टी बनी है। आपको हमारी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।